डियर स्टूडेंट्स हमने कल मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया स्टार्ट किया था और उसमें हमने एक होमोजीनियस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट केसेस में स्टडी किया था आज हम एक रेक्टेंगुलर uh, लैमिना है जिसकी साइड्स टू ए टू बी हैं आयताकार पटल है जिसकी साइड्स टू ए टू बी हैं का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना चाहते हैं उस लाइन के अबाउट जो लेमिना के सेंटर से जाती है और पहले केस में साइड टू ए के पैरेलल है सेकंड केस में लाइन सेंटर से होकर जाती है लेकिन साइड टू बी के पैरेलल है और थर्ड केस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे जब जो लाइन है उसके अबाउट जो कि सेंटर से जाती है और रेक्टेंगुलर लैमिना के परपेंडिकुलर है हमने यहाँ सबसे पहले एक टू ए और टू बी साइड का एक रेक्टेंगुलर आयताकार पटल लिया जिसका मास एम है अब क्योंकि सहायता कर पटल का एरिया टू ए इंटू टू एनि टू ए इंटू टू बी यानी कि फोर ए बी है और पूरे पटल का मास एम है तो मास पर यूनिट एरिया हो जाएगा एम अपॉन फोर ए बी अब हमने एक डी एक्स डी एक्स और डी वाई लेंथ और ब्रेथ का एक एलिमेंट्री पार्ट लिया जिसको अपन पी क्यू पी क्यू आर एस कर दीजिए जिसको हम पी लिख रहे हैं कि पी पॉइंट पर क्योंकि बहुत छोटा है तो हमने कहा डी एक्स और डी वाई चौड़ाई और लंबाई का हमने एक एलिमेंट्री पार्ट लिया तो इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया हो गया डी एक्स इंटू डी वाई यदि मास पर यूनिट एरिया एम अपॉन फोर ए बी है तो इस एलिमेंट्री पार्ट का एरिया हो जाए इस एलिमेंट्री पार्ट का मास हो जाएगा एम अपॉन फोर ए बी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई जो मैंने यहाँ लिखा है आपके लिए कि एलिमेंट्री पार्ट डी एक्स डी वाई का मास एम अपॉन फोर ए बी इंटू डी एक्स डी वाई है अब क्योंकि अपन इस जो अपन ये रेक्टेंगुलर लैमिला ले रहे हैं इसका मैंने सेंटर को ओ पॉइंट माना है और ओ एक्स और ओ वाई हमने कॉर्डिनेट एक्सेज लिए हैं और जो टू ए इसकी जो लेंथ ली है उसको अपन ने ओ से एक साइड में ए और यानी कि माइनस ए टू ए तो हमने ये लेंथ जो है टू ए ली है तो ए और ये मैंने आपको क्लियर दिखाई है इसमें और इसी तरीके से हमने बी मतलब ओ वाई जो एक्सेस है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में बी लिया है और नेगेटिव डायरेक्शन में भी बी लेंथ ली है तो टू बी इसकी लेंथ हो जाएगी अब हमें क्योंकि मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया साइड टू ए के पैरल जो लाइन है और सेंटर से होकर जाती है हम उसके अबाउट निकाल रहे हैं इसलिए हमने इस एलिमेंट्री पोर्शन का ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका हो जाएगा वाई क्योंकि इसके पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं तो एलिमेंट्री जो पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्स हो जाएगा एम अपॉन फोर ए बी डी एक्स इंटू डी वाई ये तो हो गया मास और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज वाई तो वाई का स्क्वायर अब हम पूरे पोर्शन को क्योंकि हमने इस रेक्टेंगुलर लेमिना को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें इसी तरीके से तो हम जो कंप्लीट जो अपना संपूर्ण लेमिना है उसका मोमेंट ऑफ एनरशिया अबाउट ओ एक्स हो जाएगा क्योंकि अपने डी एक्स और डी वाई लिया डबल इंटीग्रल में तो एक्स की लिमिट माइनस ए टू ए और y की लिमिट डी वाई के लिए y की लिमिट हो जाएंगी माइनस बी टू बी और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एम अपॉन फोर ए बी माइनस ए टू ए बी क्यूब अपॉन थ्री डी डबल इंटीग्रल के मैथड से और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन थ्री